एनसीआर सोनीपत हरियाणा से सुबह की कुछ ऐसी तस्वीरें कोहरे से संबंधित आपको जरूर देखनी चाहिए। विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह गई है। एनसीआर सोनीपत में रात में जबरदस्त कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ा। हालत कुछ इस तरह रहे कि 5 मीटर तक विजिबिलिटी रही, लेकिन जैसे जैसे सुबह हुई कोहरा कम होता नजर नहीं आया। अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हो, घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को भी धीरे धीरे चलने पर बेबस कर दिया है। तस्वीर एनसीआर सोनीपत हरियाणा से आपके सामने, जहां ऐसे में राहगीरों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। The 27th of December आज बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी कोहरे की चादर शहर ओढ़े हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें खेतों में गेहूं की फसलों की, तो कोहरे की बूंद जब फसल की जड़ में जाएगी तब खाद की तरह काम करेगी और फसल अच्छी होगी। इस दौरान आपको ये भी जानना चाहिए कि सब्जी की फसलों के लिए ये कोहरा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन सूर्य देव के दर्शन अभी तक कोहरे की वजह से नहीं हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने एनसीआर सोनीपत हरियाणा से। यह कोहरा वास्तव में ही गेहूं की फसलों के लिए फायदेमंद साबित रहेगा, लेकिन सब्जी के लिए नुकसानदायक भी साबित रह सकता है। हल्की सिंचाई करने की सलाह भी किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से जरूर दी जा रही है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।